संपूर्ण जगात 25 डिसेंबरला नाताळ हा सण मोठ्या उत्साहात प्रत्येक वर्षी साजरा केला जातो। गोंदिया जिल्ह्यामध्ये विविध कार्यक्रम आयोजित करून प्रत्येक वर्षी नाताळ सण पार पडतो। मात्र यावर्षी सेंट जोसेफ चर्चमध्ये कोरोनाचा शिरकाव असल्यामुळे शासनाच्या दिशानिर्देशानुसार कोविड-19 पालन करून साधेपणाने नाताळ सण शुक्रवारी म्हणजेच 25 डिसेंबरला साजरा करण्यात आला। क्रिसमस सबको, सब गोंदिया वासियों को मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। आज क्रिसमस के दिन वैसे चर्च में बहुत भीड़ रहती है, पर आज बहुत शांत माहौल है। कोरोना की वजह से आज हम यीशु मसीह को यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन आए और सब ये बीमारी, ये महामारी जल्द से जल्द दूर हो जाए। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। सभी को एक बार फिर से मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू। या दरम्यान जिल्ह्यातील अनुयायी शहरातील चर्चमध्ये येऊन प्रार्थना करू लागले। यावेळी चर्चचे फादर यांच्याकडून नाताळ सणाच्या विषयी अनुयायी यांना मार्गदर्शन करण्यात आलं। इतकंच नाही, विविध वेशभूषेमध्ये अनुयायी यांनी नाताळचे महत्त्व सांगितले। त्याचप्रमाणे चर्चचे सचिव यांनी नाताळ सण अति उत्साहात साजरा करण्यात येतो, परंतु आता कोरोनाचं सावट असल्यामुळे साधेपणाने सामाजिक अंतर ठेवून हा सण साजरा करण्यात आला। साल की क्रिसमस बहुत खराब दिशा से मनाए हम लोगों ने। हम लोगों का दूरी डिस्टेंस से लोग बैठे थे, कम से कम लोग आए, और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ ये बीमारी जल्दी से हट जाए और हम लोगों को चर्च में आने का मौका मिले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। और कोरोना में बहुत सी परेशानियाँ हमको पूरा साल भर उठानी पड़ी, और भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि जितने जल्दी कोरोना हट जाए तो सभी देशवासियों का भी अच्छा होगा और सभी लोग सेफ्टी मुँह में बांध के आए और दूरी अपना डिस्टेंस रखे, यही हम विनती करते हैं। परमेश्वराला प्रार्थना केली की लवकरात लवकर कोरोना नष्ट करून या देशाला कोरोना मुक्त करा असे सांगितले। आने वाले नए साल की मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, और इस साल क्रिसमस में शासन के कुछ नियमों का हम लोग पालन कर रहे हैं। हर साल इस चर्च में बहुत ज़्यादा रौनक रहती थी, लेकिन कोरोना के कारण सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ये सब हम इसका ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और लोगों से अपील है कि कृपया शांतिपूर्वक इस फेस्टिवल को एंजॉय करें और हमारा साथ दे और शासन का भी साथ दे, क्योंकि गॉड से हम यही प्रेयर करते हैं कि कोरोना की जल्दी से जल्दी वैक्सीन आ जाए और देश बहाल हो जाए और पहले जैसी जो हमारे देश में खुशहाली थी वो लौट के आए। न्यूज 15 मराठी साठी आकाश वाजे गोंदिया।